अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनिस अली और आप देख रहे हैं पिकेटन लाइब्रेरी। जैसा कि मेरे कज़न अली अफजल ने और मैंने मलका मसूर दाल बनाने का प्रोग्राम किया था, भाई के दोस्त आ गए और भाई चले गए अपने दोस्तों के साथ, तो मैं अकेले ही कोशिश कर रहा हूं दाल बनाने की, तो अल्लाह करे अच्छी बन जाए। तो व्यूअर्स, मैं आपको रेसिपी में डालने वाली चीज़ें नोट करवा दूँ। मैंने एक पाव मलका मसूर दाल धो के रख दी है और प्याज कटी हुई एक अदद और टमाटर कटे हुए, अदरक, लहसुन, मिर्च ये सब काट के तैयार कर लिए हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं हाफ कप ऑयल में प्याज ऐड करके गोल्डन करूंगा। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड करूंगा दाल जो पहले ही मैंने वॉश करके रख दी थी। अब मैं इसमें लहसुन और पानी ऐड करके मिक्स कर लूँगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगा। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। तो व्यूवर्स, मसाले अच्छे से ऐड हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 कप पानी। तो व्यूअर्स, अब मैं इसको 15 मिनट तक ढक के रख दूंगा ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूंगा। फ्लेम थोड़ा हम बढ़ा लेंगे और 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा। पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद फ्लेम ऑफ करके हमें डिश आउट करना है। तो व्यूअर्स, दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करके सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, दाल हमने डिश आउट करके सर्व कर दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। घर में रहिए, सेफ रहिए और मेरी तरह कुछ नया ट्राई करते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक अनिस अली को दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।